नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। एक्सप्रेस न्यूज भारत के संवाददाता वसीम जैनाड ने नगर निगम जयपुर हेरिटेज में 2 साल मुकम्मल होने पर पार्षद फरीद कुरैशी के वार्ड नंबर 69 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि वार्ड 69 में 2 सालों में कितना काम हुआ। इस दौरान जनता ने अपनी समस्याओं से हमारी टीम को अवगत कराया। देखिए ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। कितने सालों से यहाँ रह रहे हो आप? मेरे को हुए 35 साल। आपके जो पार्षद है फरीद कुरैशी, काम करवा रहे हैं पिछले 2 सालों से? हाँ करा रहे हैं ना। क्या काम करवाया अभी तक आपके वार्ड में? ये रोडें बनवा दी, लाइटें लगवा दी। वो समस्या हो आपके वार्ड में अभी फिलहाल? अभी तो कोई समस्या नहीं। समस्या आपका? मेरा नाम यूनुस सलीम। कितने सालों से रह रहे हैं आप इस वार्ड में? पैदाइश ही आएंगी हमें। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद, उसमें कुछ अंतर दिखाई दिया काम को लेकर? बिल्कुल था, काम करा रहे हैं फरीद भाई, काम करवा रहे हैं। कहते ही आते हैं, किसी भी काम की बोलते हैं हम, वो आते हैं तुरंत काम। अभी कोई समस्या हो आपके वार्ड में? नहीं कोई समस्या नहीं, काम करवा रहे हैं। बिल्कुल सर करवा रहे हैं, ऐसी क्या बात। कोई समस्या हो आपके वार्ड में? नहीं नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं है। अभी लाइट वाइटें भी अभी लगाई है, पूरी सिविल लाइन डाली है, बढ़िया काम। मेरा नाम मोहम्मद नूरुद्दीन है। पिछले 2 सालों से कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? नहीं नहीं काफ़ी काम हो रहा, इस चीज़ की भी दिक्कत है, उनको पहुँचे खबर तो काम होता है। समस्या हो कोई अभी वर्तमान में? नहीं अभी तो कोई नहीं, कल ही गटर लाइन साफ हुई, लाइटें लग गई, काम सही हो रहा। जी क्या नाम है आपका? इकराम। कितने सालों से इस वार्ड में रह रहे हो आप? मुझे 25 साल हो गए। इस वार्ड में कई पार्षद आए और अभी 2 साल आपके फरीद कुरैशी पार्षद है, उन्होंने मुकम्मल कर लिए, तो क्या रहा उनका जो कार्यकाल 2 साल का? भाई उनके मुकाबले इनका 21 है। 21 हाँ बेहतर है। कैसे 21 है, मतलब क्या बेहतर? वो खुद आते हैं यहाँ पे सर्वे करने, खुद देख करके खुद पूछ के जाते हैं। क्या समस्या है आपके वार्ड में अभी फिलहाल? समस्या तो यहाँ तो भाई पानी की समस्या होती है, नाली की समस्या होती है, और क्या लाइट, अब लाइट दिन में भी जल रही है देख लो, तो वो समस्या हो जाती है कंप्लीट कंप्लीट। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। कितने सालों से इस वार्ड में रह रहे हो आप? कम से कम मेरा जन्म ही यही हुआ है। देखो आपके वार्ड में कोई समस्या हो, बिजली पानी जो भी है? कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया काम हो रहा हमारे यहाँ पर, बहुत लाइटिंग वाइटिंग सिविल लाइन पूरी बेहतरीन बेहतरीन काम हो रहा हमारे यहाँ पर। पहले के जो पार्षद थे और अभी के जो पार्षद, उसमें कुछ अंतर दिखाई दिया काम को लेकर? बहुत फ़र्क है, पहले जो पार्षद थे वो ध्यान ही पूरे ध्यान ही नहीं देते थे, जो हमारे कुरैशी साहब है उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है इस बार। यहाँ ब्रेकर भी बनने चाहिए, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, और यहाँ हर गली में बच्चे भी बहुत हैं और भाग के आते हैं, तो मतलब जी क्या कहना चाहोगे पार्षद के लिए आपके? बस हम नहीं चाहते कि नाली रोज साफ हो जाए, नाली की वजह से पानी रुकता है और इससे क्या मच्छर होता है, इससे गंदगी होती है, बीमारी होती है, बस ये है चाहता हूँ। मतलब नाली बढ़ जाए समय समय नहीं हो रही बिल्कुल ही, ये है। आपका नाम? राहुल है सर मेरा नाम। आपके वार्ड में कोई समस्या हो पिछले 2 सालों से? समस्या तो क्या बताएं साहब, कभी कभी तो आती है समस्या, ऐसा तो है नहीं जो बोल दे काम वो ही हो जाए, इसलिए समस्या तो रहती है। अब जैसे हमारे तो यहाँ पर 4 साल से गड्ढा था, बड़ी मुश्किल से अब जाकर सही हुआ, नहीं तो लोग बाग उसमें गिरते ही थे। अच्छा। लेकिन वापस वो टूट गया। इस पूरे एम आई रोड पर सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं रहती है। अब ठीक है? अब थोड़ा ठीक है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा बारिश के मौसम में टूट। हाँ हाँ। जयपुर वार्ड नंबर 69 का दौरा करने के बाद अब हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 69 के पार्षद फरीद कुरैशी के पास। आइए इनसे जानते हैं पिछले 2 साल में इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। जी सर स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज़ भारत में, और मैं आपसे जानना चाहूँगा पिछले 2 साल में आपने काफ़ी काम करवाए आपके वार्ड में, लेकिन आपके वार्ड में एक समस्या जो बची है, नालियों को लेकर भी काफ़ी समस्या देखने को मिल रही है कई जगह, उसका क्या वजह मानते हो आप? देखिए हमारे 2 साल के अंदर हमारे क्षेत्रीय विधायक सम्मान्य अमीन कागजी साहब के द्वारा मेरे वार्ड में
काफ़ी काम कराए हैं, जैसे हमारे करीब मंजिल रही मंजिल है उसके अंदर सीवर लाइन की सबसे बड़ी समस्या थी। जिस दिन इलेक्शन था दोपहर तक लोग वोट डालने नहीं जा रहे थे, पूरा सड़ रहा था करीब मंजिल। मैंने जाकर के वहाँ उनसे रिक्वेस्ट करी भाई क्या बात है, तो उन्होंने कहा था अभी हमारे कोई देखता ही नहीं, आज तक किसी पार्षद ने सीवर लाइन नहीं डाली, रोज़ भर जाती है, पूरी चारों तरफ से भरी हुई थी। ये सीवर लाइन कब डाली गई थी आपके द्वारा? ये मैंने इलेक्शन जीतते ही फर्स्ट टाइम ही मैंने MLA साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक महीने के अंदर ही मेरे चुनाव जीतते ही इसको सीवर लाइन को 50 लाख रुपए की लगभग सीवर लाइन पूरे करीब मंजिल में हमारे MLA अमीन काजी साहब के द्वारा कराई गई थी। और एक हाई मास्ट लाइट जो अजमेरी गेट पर जो मार्केट है पेट्रोल पम्प के पास, वहाँ पर क्या है हमारे करीब मंजिल वाले लोग टेक्निकल मैकेनिक आदमी है, उनका रोज़गार ये स्कूटर मोटरसाइकिलें वगैरह ठीक करना, वहाँ ही टेक्निकल काम करते हैं, तो वहाँ लाइट की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैंने MLA साहब से निवेदन किया तो उन्होंने हाई मास्ट लाइट तकरीबन 38 लाख रुपए की वो भी वहाँ लगी है, जिससे इनको रोज़गार में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, देर तक थोड़ा काम कर लेते हैं और सबको राहत मिली है, उससे आने जाने वालों को भी बहुत राहत मिली है। चुनाव अभियान के दौरान आपने वादे क्या किए थे? हमने वादे यही किए थे, हम सबका साथ सबका विकास सबके काम करेंगे, और जो भी हमारे क्षेत्र हमारे अंडर में आता है, जो हम जिस काम को कर सकते हैं पार्षद के अंडर में आता है, उस काम में पूरी जी जान से मदद करेंगे, और हम कर रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं। जैसे सीवरेज है, कई जगह हमने सीवरेज नहीं डलाई है करीब मंजिल के अलावा, हमने आप ये देखिए ये अपने वाल्मीकि समाज गांधी मोरी में हमने सीवरेज डलाई, हमने ये माता जी की गली पवन स्टेशनरी गुप्ता जी की गली इनमें सब में सीवर की समस्याएं थी, बहुत सड़क पे पानी बहता था गंदा, लोगों ने बताया तो हमने उनको भी राहत दी है, और MLA साहब से कह के उसको भी करवाया सीवरेज, सड़कें हमारे पटुओं का चौक, नगीन वालों की मस्जिद, हमारे ये आप काना चमार की गली, इसमें सीवरेज और सड़क का पूरा काम किया, विंडो को रास्ते में तिलावर भवन माता जी गली, हमने आदि कई जगह पर कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ रहे हैं जब काम रह जाए कोई बाकी। अभी समस्या क्या बच रही है आपके वार्ड में देखा जाए तो? अभी हमारे वार्ड में 2-3 जगह हैं, आचार्य की गली है, पाटन हाउस है, 2-3 गली है जिसमें CC का काम नहीं हुआ था, अब टेंडर हो चुके हैं हमारे तकरीबन 33 लाख रुपए के, कल ठेकेदार भी आ गया, उसको दिखा दिया, 2-3 दिन में ये CC का काम शुरू हो जाएगा। क्यों कई जगह आपके कचरे की भी समस्या देखने को मिलती है, हालांकि ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत है, तो उसकी क्या वजह मानते हो आप? देखिए ऐसा है, कचरे की जो बात है, हमारे सुबह से ही ऊपर 7:30 बजे बाद ही आ जाते हैं, और 7:30 बजे बाद आकर के और पूरे वार्ड के अंदर अपने जिन तीन ऊपर हैं, तीनों की ड्यूटी लगी हुई है, सब उसको हमारे इंस्पेक्टर के द्वारा सारी सफाई का काम चलता है, पीछे पीछे मैं भी चलता हूँ उनके साथ, जैसे ही हम सफाई करते हैं थोड़ी देर बाद और फिर डाल देते हैं कचरा लोग, ये हमारे लोगों को भी समझना चाहिए, हम उनकी सुविधा के लिए ये सफाई कर रहे हैं, उनकी स्वच्छता के लिए वार्ड साफ रहे कर रहे हैं, हम साफ करते हैं करते 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 हम आगे निकले और डाल देते हैं थैली, जबकि गाड़ियाँ आती है उसमें नहीं डालते, उनसे भी हम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप इसमें मदद करो, आप हमें सहयोग करो, गाड़ी आती है तो आप सड़क पर नहीं डाल करके गाड़ी में डाल दो डायरेक्ट। आपके वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने के लिए आप क्या फ्यूचर प्लानिंग किया है आपकी? हमारी प्लानिंग यही है, हम यही चाहते हैं जो साफ़ सफाई है ये क्लीन होनी चाहिए, और ये हर जगह हर दुकानों पे हर घर में अलग से मतलब एक इसके लिए वो होना चाहिए। मच्छरों को लेकर भी कई जगह फोगिंग वगैरह को लेकर कुछ हुआ आपके? फोगिंग मैं बराबर कराता हूँ, अभी मैंने 3 दिन पहले ही फोगिंग कराई है, और करीब 4 बार फोगिंग करा चुका हूँ 1 महीने के अंदर, जब भी आवश्यकता पड़ती है तो मैं फोगिंग बराबर कराता हूँ। आपके वार्ड में शिक्षा को लेकर या हेल्थ को लेकर कुछ काम हुआ हो? देखिए इन दो सालों के अंदर जो काम हुए हैं हमारे विधायक अमीन कागजी साहब के द्वारा, हमारे वार्ड से अटैच ही हम 67, 68, 69 हम वार्ड हैं, हमारे अटैच ही एक दरबार स्कूल है जिसमें मैंने भी शिक्षा प्राप्त की है, और वो धरोहर हमारी पुलिस लाइन बना दी गई, उसको पुलिस लाइन बनाने के बाद स्कूल बंद कर दिए गए, लेकिन हमारे MLA साहब द्वारा अमीन काजी साहब के द्वारा अथक प्रयासों से मुख्यमंत्री जी से कह करके उसको पुनः दोबारा लगभग 12 करोड़ की लागत से उसका निर्माण करवा दिया है, कंप्लीट
अब वो ओपनिंग होने में ही है उसका, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लाएंगे वो और वही से उसको ओपनिंग करेंगे, उसके अलावा ओपनिंग करेंगे। उसके अलावा शिक्षा के लिए आप देखिए लेडीज़ गर्ल्स कॉलेज आपने मुख्यमंत्री जी से एमएलए साहब ने पास कराया, हमारे उसी दरबार स्कूल के एक साइड में उसका भी शिलान्यास होने जा रहा है और लेडीज़ गर्ल्स कॉलेज। दरबार स्कूल में कितने बच्चे पढ़ सकेंगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में अकॉर्डिंग टू? अभी देखिए आप स्कूल का जहाँ तक सवाल है तो मैं समझता हूँ 700-800 बच्चे तो होने ही चाहिए, उसमें 5-4 स्टोरी का बनाया बहुत बड़ा बनाया है, ऊपर भी मेरा आंकलन है ज़्यादा भी हो सकता है। हेल्थ को लेकर क्या कहेंगे, आपके वार्ड में कोई काम हुआ हो 2 सालों में कुछ आपके द्वारा? हेल्थ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक तो जगह जगह हमारे एमएलए साहब के द्वारा जगह जगह वार्डों में जो डिस्पेंसरियाँ खोली गई है, जनता क्लिनिक खोली गई है, उससे बड़ी सुविधा मिली है, लोड कम हुआ है, सब लोग वहाँ जाते थे हॉस्पिटल्स तो अपने वहीं दिखा लेते हैं। उसके बाद मेन जो हुआ है कि एक सेटेलाइट हॉस्पिटल हमारे आदरणीय एमएलए अमीन कागी साहब के द्वारा मुख्यमंत्री जी से पास करा दिया है और वो भी हमारे सेटेलाइट हॉस्पिटल हमारे जो एनिमल हॉस्पिटल है यहीं बनने जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव है 2023 के, उसको लेकर क्या कहोगे आप? आने वाले चुनाव में हमारे कांग्रेस पार्टी जीतेगी हमारी और हमारे विधायक एमएलए साहब भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि जो विकास इन्होंने किशनपुर विधानसभा क्षेत्र में कराए आज से 50 साल में कभी वो काम नहीं हुए जो जन जन तक इनके काम पहुँचे। आज तक जो भी वर्क होता था पेपर वर्क होता था, पेपर में काम होता था, ज़मीन पे काम नहीं होता था, लेकिन एक ये एक शख्स ऐसे हैं हमारे लोकप्रिय एमएलए अमीन कागी साहब जिनके द्वारा पेपर में नहीं होकर के रोड पे काम हो रहा है, आपको जगह जगह दिख गया, सड़कें खुदी पड़ी हैं, रोड लाइन डल रही है।